बेरोजगारी, जीएसटी और ईडी का कांग्रेस ने आज कड़ा विरोध करते हुए पूरे देश भर में आंदोलन किया। उसी श्रृंखला में राज्य में हर जगह आंदोलन किया गया है। कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। इसी श्रृंखला में नागपुर में भी जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में जमकर आंदोलन किया गया है। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। ईडी की कार्रवाई और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय में घुसने की कोशिश भी की गई। इस समय पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ गया था। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाले अग्निपथ जैसे युवा भविष्य को अंधकारमय बनाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज धरना प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस द्वारा आज जो है मोर्चा निकाला गया है जिलाधिकारी कार्यालय पर। जीएसटी हो, बेरोजगारी हो, ईडी हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर ये मोर्चा निकाला गया है। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे कि किस तरह से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है आक्रामक होते दिखाई दे रहे। बैरिकेड्स तो को जो है ये कर अंदर आने की प्रयास कर रहे हैं, जिलाधिकारी कार्यालय में आने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेस खड़े है, नेता भी है। उनसे हम बात करके जानेंगे क्या कहना। नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। मला वाटतं की या देशात जी महागाई वाढलेली आहे आणि महागाईच्या विरोधात आज देशभर आंदोलन आहे, हे आंदोलन दडपण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष आणि पंतप्रधान या देशातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर अनेक कारवाया करत आहे। आणि 8 वर्षांमध्ये या सामान्य जनतेवर जो अन्याय केला आहे तो अन्याय आवाज लोकांचा दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, लोकशाही या देशातून संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यासाठी हे निषेध आंदोलन आहे। मुझे लगता है कि जितने बार ज्यादा कार्रवाई करेगी उतने आंदोलन उग्र होएंगे और इस लोकशाही में जनता की आवाज उठाने का काम विरोधी पक्ष करता रहेगा। ये गब्बर सिंह टैक्स है और ये गब्बर सिंह जो टैक्स है, अभी श्रावण का महीना चालू है। मैं असली हिंदू, ये कुड़मती जी पुलिस वाले, ये असली हिंदू है, ये कुडूरवार जी ये हिंदू है, ये देवकते जी हिंदू है, सभी हिंदू है। और हिंदू रहने के बाद में नरेंद्र मोदी जो हिंदुत्व का खुद नारा देते हैं, उन्होंने दूध के ऊपर में जीएसटी लगा दी। दूध श्रावण के महीने में शिवलिंग के ऊपर में हम लोग अभिषेक करते हैं दूध का। भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले, ये लोग दूध का भी अभिषेक नहीं कर रहे। क्यों? तो जीएसटी लग गई, महंगा हो गया। लेकिन हम कट्टर जो कांग्रेसी है, हम लोग आज भी शिवलिंग की अभिषेक जो है ये दूध से करते। वो दूध के ऊपर में भले ये लोग 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए जीएसटी लगा दे, कांग्रेसी असली हिंदू है, शिवलिंग की अभिषेक जो है अभी भी कर रहा है, कल भी करता था और आने वाले भविष्य भी करेगा। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले ये डर रहे हैं, ये खुद के जेब की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनके सम्माननीय नेता ने भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने दूध के ऊपर जीएसटी लगा दी। लेकिन कितना भी महंगा कर दे दूध, शिवलिंग के ऊपर में हम लोग अभिषेक करने वाले। ईडी की कार्रवाई, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये आंदोलन किया। आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार अपनी तानाशाही बंद नहीं करती। इस दौरान युवक कांग्रेस एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलनकारी जो है ये आंदोलन उग्र करते जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि रास्ता जाम जो यहाँ पे किया गया है, पुलिस जो है हरकत में आ चुकी है और कार्यकर्ता और नेताओं को हिरासत में लेने के लिए पुलिस हरकत में आ चुकी है। आप देख पा रहे हो कि ये पूरा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने का जो रास्ता है ये कांग्रेस के आंदोलनकारियों द्वारा जो है जाम किया गया है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से जो है रास्ता जाम किया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा, लेकिन पुलिस हरकत में आई है और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से पुलिस जो है इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। कुछ कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें कई कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस के शामिल है। आप देख पा रहे हो कि रास्ता जाम होने के बाद जो है कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ताओं को जो पुलिस जो है हिरासत में ले रही है। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने का यह परिसर है जहां से जो कार्यकर्ता जो है ये रास्ता जाम किया था कार्यकर्ताओं द्वारा। आप देख पा रहे हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित युवक कांग्रेस के जो है बंटी शेर के, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है हिरासत में लिए जा रहे हैं। बंटी शेख को जो युवा कांग्रेस के हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।